नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब प्रोग्राम, जिसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका पार्ट टू वीडियो है। तो पार्ट वन में जो चीजें पढ़े उसका थोड़ा सा मैं रिविजन करूंगा, और इस पार्ट टू वीडियो में खास हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आइडेंटिटीज। ठीक है, ये सारे आइडेंटिटीज हम कहीं ना कहीं पढ़े हैं। अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद भी होगा ये चीजें, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें बताऊंगा बेसिक से, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके कैसे सवाल आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका प्रिपरेशन हो रहा है एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का, जिसमें कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं यहां पर कवर हो रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, साथ साथ साइंस का भी आपका लेक्चर इसमें प्रोवाइड करा जा रहा है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो को। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्ट वन में जो चीजें मैंने आपको बताई उन चीजों पर थोड़ा सा हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि रिविजन हो जाए जो चीजें हमने पार्ट वन में पढ़ी उसका। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ tan 67 डिग्री, cot 47 डिग्री, tan 23 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 23 प्लस cot 43 डिग्री। पहले मैं आपको डायरेक्टली इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, tan 67 डिग्री दिख रहा है, tan 67 डिग्री दिख रहा है, और यहां क्या दिख रहा है, cot 47 डिग्री दिख रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, tan 67 इंटू cot 47, मतलब जो ए है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए हर शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने के पहले यह सीखना जरूरी है कि शॉर्ट ट्रिक कहां लगाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देख रहे हैं, tan और cot के टर्म्स में ऊपर एंगल दिया, tan और cot के टर्म्स में ऊपर कुछ एंगल दिया हुआ है, साथ में tan वाले एंगल का सम यानी 63 प्लस 23 का वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है, 47 प्लस 43 इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो रहा है। ये इस शॉर्ट ट्रिक को लगाने का प्रिंसिपल है कि कब आप इसको लगाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, tan cot ऊपर नीचे होना चाहिए, tan वाले का एंगल का सम बराबर 90 डिग्री, cot वाले का एंगल का सम बराबर 90 डिग्री। अगर ये हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऊपर में tan 67 cot 47 डिग्री की दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, बेसिक से कैसे समझ लीजिए। यहां पर बस इसमें से किसी एक को tan cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, और साथ में हमने ये देखा है tan थीटा जो होता है ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा भी होता है। केवल tan और cot ही ऐसा फंक्शन है जो कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के साथ एक दूसरे के यहां पर पूरक कोणों में भी बदल जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में कवर करवाया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसी चीज को आपको यहां अप्लाई करना है। किसी भी एक को आप चेंज करेंगे, चाहे तो आप यहां पर डिनोमिनेटर को चेंज करिए तो ये हो जाएगा भाई 1/cot 23 डिग्री प्लस 1/tan 43 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमिनेटर में जो चीज है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा tan 43 प्लस cot 23, ठीक, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan 43 इंटू cot 23 बराबर। ये डिनोमिनेटर में ऐसा हो रहा है तो न्यूमिनेटर में जो चीजें हैं वो तो एज इट इज रहेंगी ही रहेंगी, मतलब न्यूमिनेटर में जो वैल्यू था वो वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा। tan 67 डिग्री ठीक है प्लस cot 47 डिग्री ऐसा ही रहेगा, और साथ में आपने देखा कि ये अगर मल्टीप्लाइड है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में ले जाने के पहले आप देखिए ऑप्शन 67 और 47 डिग्री के टर्म्स में है, तो ये जो cot 23 डिग्री है इसको 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा tan 67 डिग्री, और ये जो tan 43 डिग्री है उसको 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा cot 47 डिग्री। ये चीज ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में। ठीक, अब बात करते हैं ये दोनों टर्म की, ये दोनों टर्म की जो tan 47 है, क्या इस tan 47 को tan 43 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 47 लिख सकता हूं, क्या आप मेरी बातों से सहमत है, cot 47 डिग्री ठीक है, क्योंकि देखिए जो tan थीटा होता है वो cot 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो cot 23 है इसको क्या लिखा जा सकता है, तो tan 67 डिग्री लिखा जा सकता है। मतलब कुल मिला के ये कट गया, यही चीज बच रहा था ऊपर गया तो ये चेंज हो गया 67 47 में, तो ये बन जाएगा tan 67 और cot 47 डिग्री, मतलब जो ए है ये सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के पहले ही मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाना ये भी बता दिया, बेसिक से भी आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या चीजें हमने यहां पर देखी, पिछले क्लासेस में जो हमने सीखा था उसको हम अप्लाई कर रहे हैं।
पहला तो हमने ये देखा था कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि इनवर्स होता है, tan थीटा बराबर 1 by cot थीटा। दूसरी बात हमने क्या सीखी, यहां पर tan थीटा cot 90 माइनस थीटा होता है, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा होता है, ये प्रीवियस क्लास से हमने इसको यहां पर कवर किया था। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां दिया हुआ है sin थीटा by cos थीटा, यानी देखिए tan थीटा बराबर 4/5 है, तो यहां पर इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इस सवाल में दिया हुआ tan थीटा जो है वो 4/5 है, मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक्चुअली रेशियो का एप्लीकेशन है। रेशियो का एप्लीकेशन कैसे, क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है, और ये हो गया भाई 4/5। अगर आपको sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4:5 दिया हुआ है, और यहां sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में कुछ वैल्यूज है, ठीक है, तो क्या हम इस तरीके का प्रश्न रेशियो में नहीं देखे। तो एक तरीके से ये प्रश्न कुछ और नहीं बल्कि डायरेक्टली रेशियो का एक एप्लीकेशन है, इसमें बस वैल्यू डाल दीजिए, साइन थीटा बराबर 4, कॉस थीटा बराबर 5, तो यहां पर डाल देंगे 5 × 4 हो जाएगा 20, −2 × cos थीटा तो 10, 5 × 4 हो जाएगा 20, +3 × cos थीटा मतलब 15, मतलब 10/35 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 2/7 हो जाएगा, 2/7, ठीक है, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक क्लियर, सारी चीजें समझ में आ रही। देखिए कुछ चीजों को आपको यहां पर समझना होगा, जैसे साइन थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं हो सकता, साइन थीटा जो है वो हमेशा जो है <1 और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, दोनों के दोनों, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी। यहां हम 4 और 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये रेशियो के एप्लीकेशन जैसा सवाल है कि ऊपर 4 यहां 5 है, तो और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा हर जगह, तो मैंने रेशियो में ये चीज कवर करके रखा है कि इस तरीके के टर्म में डायरेक्टली इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5 डाल के सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली इसका वैल्यू 4-5 नहीं है, वो रेशियो में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ कॉस 33 बराबर ए बाय बी है, तो कोसेक 33 −cos 57° का वैल्यू बताइए। देखिए समझिए, यहां से आप समझिए इसको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये वाला एंगल 33 होता है तो ये वाला एंगल 90° − 33 होता है, कितना होता है 90° − 33, 90 में 33 घटाओगे तो 7 आएगा और यहां 5 आएगा, यानी 57° हो जाएगा। अगर एक एंगल 33° का हुआ तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 57° होगा कि नहीं होगा, ठीक। सवाल में क्या दिया है, cos 33° का वैल्यू दिया। अब cos थीटा क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के इस साइड में आप cos का रेशियो ले रहे हो, तो cos होता है भाई बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये A हुआ तो ये B हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये तीसरा साइड क्या हो जाएगा। देखिए भाई पाइथागोरस थ्योरम से, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, इससे हमको पता चलता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर। इसके तहत ये वाला जो साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा B²-A² का होल स्क्वायर, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब जैसे ही हमने देख लिया यहां पर कि ये B²-A² का स्क्वायर रूट है, तो अब कोसेक 33 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोसेक 33 इस कोण से के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा, जो कि हो जाएगा B²√B²-A² −cos 57। अब देखिए cos 57 आप इस कोण पे लगा रहे हैं, तो इस कोण पे बेस ये बन जाता है और हाइपोटेन्यूस ये बन जाता है, तो यहां से आपका cos 57 का वैल्यू हो जाएगा B²-A² / B, ठीक। चलिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा नीचे B√B²-A² और ये बी इधर जाएगा तो बन गया बी स्क्वायर, माइनस में ये इधर जाएगा तो B²-A² का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट है दो बार, स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो B²-B² कट गया, ये −(-) हो जाएगा A²√B²-A², ठीक। तो ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, यहां पर A²√B²-A² मतलब कि ये जो B है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर्ट्स इंडाइसेस का कंबाइंड किया हुआ सवाल है यहां पर, जो कि हम यहां पर देख रहे हैं। सर्ट्स इंडाइसेस करनी एवं घातांक में हमने इस तरीके का प्रश्न देखा है कि कोई भी अंक को आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल इस तरीके से आप गुणा कर दें तो उस पूरे वैल्यू का मान वही होता है जो संख्या बार बार गुणा हो रही है। कुल मिला के इसका मतलब यही हुआ कि साइन थीटा बराबर कितना है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/6, ठीक।
इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसे कोण की बात कर रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में, जिसमें अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा एक ये हुआ तो ये छह हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया आपको पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा इसी वीडियो में, जिससे कि बीसी का वैल्यू हो जाएगा 6² - 1। ठीक है, क्योंकि हमें यह पता है भाई कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको नोट डाउन कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर होता है। यहां से आप बी सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर होगा, अगर ये स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालने से ये दूसरे तरफ इस तरीके से स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी प्रकार से ये 6² - 1 का स्क्वायर करोगे यानी √35 आ जाएगा यहां पर इसका वैल्यू। तो बीसी का वैल्यू क्या है, तो √35 है, √35 है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए सवाल में क्या पूछा है उसको फाइंड करिए, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है भाई, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो टैन थीटा की जगह 1/√35 लगा देंगे, कॉट थीटा की जगह √35 लगा देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 1 ही है। एलसीएम लोगे तो नीचे √35 आएगा, और 1+√35 × √35 होता है 35, तो 1+35 हो जाएगा, तो ऊपर 36 आ जाएगा। क्लियर? तो 36 डिवाइडेड बाय रूट 35 मतलब ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। यहां से देखिए आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 दिया है। आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू चाहिए। हमें क्या पता है भाई, अगर टैन थीटा चाहिए तो टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कहीं से भी आपको यहां पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही निकालना है और आपका सवाल जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को देखते साथ क्या समझ में आता है कि डायरेक्टली साइन थीटा बाय कॉस थीटा चाहिए तो क्या लगाना होगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, एक लाइन में आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस के पहले वाला वैल्यू ऊपर बचता है। ठीक है, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं रेशियो में। कॉस थीटा अगर यहां पर बचा हुआ है तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यहां कॉस थीटा ही बचेगा। ये हो जाएगा ऊपर 5+4 / 5-4, जिसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं, ये बन गया आपका 9 कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर, ये आपका बन गया 1 कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाने पर। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता क्या है, टैन थीटा ही तो होता है, मतलब टैन थीटा का वैल्यू 9 आ गया। ये हमने एक लाइन में इस तरीके से निकाल दिया, ओरली आप इसको कर सकते हैं। और जैसे ही 9 निकल गया तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालना था, तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई 81+1 डिवाइडेड बाय 81-1, मतलब ये हो गया 82 डिवाइडेड बाय 80, जिसको अगर 2 से काटोगे तो 41/40 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अब देखिए यहां से जो है आपके एल्जेब्रिक जो वीडियोस थे उसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए हमको तो ये पता है कि कॉस थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है, ये हमने देखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। दूसरी बात, हमने एल्जेब्रा में जो चीजें पढ़ी हुई है उसका अगर आप यूज करेंगे तो हम ये जानते हैं कि x+1/x ये क्या है भाई, देखिए ये cos x, cos अल्फा है, ये sec अल्फा है, तो cos अल्फा क्या मैं इसको 1/cos अल्फा लिख सकता हूं, बराबर √3 दिया हुआ है, करेक्ट। तो हमने क्या सीख रखा हुआ है, जब भी x+1/x √3 होता है तो हमने देखा था कि x³+1/x³ ये 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि x³+1/x³ का वैल्यू क्या होता है इस केस में, इसका क्यूब होता है यानी √3 का क्यूब, और माइनस में 3 मल्टीप्लाइड बाय फिर से ये वैल्यू यानी √3। अब √3 का क्यूब भी 3√3 है और ये भी 3√3 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो यहां पर 0 आ जाता है, इसीलिए हमने देखा था कि इसका वैल्यू 0 आएगा। तो एक्चुअली हम यहां पर चौकन्ना रहेंगे कि ये एक्चुअली एलजेब्रा के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जब कॉस अल्फा प्लस 1/cos अल्फा यानी sec अल्फा दिया हुआ है तो cos³ अल्फा + 1/cos³ अल्फा कितना होना चाहिए, आपका जवाब होगा सर 0 होना चाहिए एलजेब्रा के तहत। और 1/cos अल्फा का मतलब कुछ और नहीं होता है, sec अल्फा होता है, तो ये कुछ और नहीं है, sec³ अल्फा ही है।
ठीक है, तो cos क्यूब अल्फा प्लस sec क्यूब अल्फा जब पूछ लिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होगी। एलजेब्रा में जो चीजें सीखी उससे भी रिलेटेड सारी चीजें कंबाइंड है, ऐसा मत समझिए कि एलजेब्रा कुछ अलग है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ अलग है। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यानी जो रिजल्ट्स को हमने यूज किया था वहां पे, जो समझा था हमने, वो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में भी यूज होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको समझना होगा, ये टेन एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर टू दिया हुआ है, तो टेन एक्स कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, वन बाय टेन एक्स बराबर टू है। अब देखिए भाई हमने ये चीज डिटेल में समझ के रखा है, x प्लस वन बाय एक्स जब टू होता है तो x बराबर हमेशा कितना होता है, वन होता है, मतलब tan x भी वन होगा, cot x भी वन होगा। अब इसके पावर में कुछ भी आप चढ़ा दीजिए, जैसे tan के घात 16 है ये भी वन हो जाएगा, cot के घात 16 है ये भी वन हो जाएगा, वन प्लस वन बराबर कितना, तो टू। यानी यहां से आपका आंसर जो होगा वो बी इस सवाल का सही उत्तर दे देगा। यहां तक क्लियर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगेन साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, जब भी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर टू दे दिया, इसका मतलब साइन थीटा वन है, तो वन के घात 100 और वन के घात 100 करोगे तो उत्तर टू आ जाएगा। यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो रिजल्ट हमने एलजेब्रा में सीखा है वही रिजल्ट यहां पर भी अप्लाइड है। ठीक है, चलिए अब यहां से थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इसके तहत कुछ चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी समझेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए भी समझेंगे, ज्योमेट्री में भी इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मेंसुरेशन में भी आपको ये पढ़ना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, क्योंकि यहां राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक, चलिए, तो पहले जो चीजें हमने पढ़ रखा था, एंगल वगैरह ये सारी चीजें तो हमने पिछले ही क्लासेस में कवर करके रखा था ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम यहां से आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी कई बार और अब आप इसको नोट डाउन करेंगे, ए बी सी, ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी सम कोण त्रिभुज है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक, और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है तीनों साइड्स में, तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज एच का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आपने ये चीजें पढ़ी होगी। अब यहां से मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि हमेशा हम इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से भी कभी कभी बच सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी जरूर बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ ट्रिपलेट वैल्यूज पता है जिसके ऊपर आजकल एसएससी के क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्टली ट्रिपलेट वैल्यूज के ऊपर आपके ट्रायंगल का डेटा सेट करके रखा रहता है, तो आपको देखते साथ समझ में आना चाहिए कि भाई यहां पर जो बातें हो रही है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो रही है। ठीक, तो यहां से मैं कुछ ट्रिपलेट वैल्यू लिख लेता हूं पी बी और एच के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि भाई यहां पर ये जो ट्रिपलेट वैल्यू है, तीन वैल्यूज जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं, तीन चार और पांच, तीन चार और पांच को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहां पर जब तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर करोगे तो ये पांच स्क्वायर के बराबर होगा। एक बार चेक कर लीजिए, तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर कितना होता है, नौ प्लस सोलह, नौ प्लस सोलह कितना आया, पच्चीस आया, और पांच का स्क्वायर करोगे तो ये भी पच्चीस आ जाएगा, बराबर है कि नहीं है। तो 9 प्लस 16 25 हुआ और यहां 5 का स्क्वायर भी 25 हुआ, क्लियर। तो ऐसे जितने भी तीन नंबर्स हैं जो कि
इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो हर बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ वैल्यूज को याद करके रखें, ताकि जब भी ये वैल्यूज दिखे तो तीसरा वैल्यू आप ऑटोमेटिकली वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। हाँ, अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्मेट में सेट नहीं है, उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ही, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अब मैं बहुत सारे यहां पर कुछ ट्रिपलेट्स लिख लेता हूं वैल्यूज, और फिर इसको कुछ याद करने के ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप इसको अगर भूल भी जाओ तो याद रखें। 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है, 7, 24, 25, फिर आप लिख सकते हैं यहां पर 9, 40, 41, ठीक है, फिर आप इसमें लिख सकते हैं 11, 60, 61, ठीक है, यहां तक कुछ बातें हो गई। इसके अलावा कुछ और वैल्यूज आप लिख सकते हैं, जैसे कि 8, 15, 17, ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं यहां पर 12, 35, 37, आप यहां पे लिख सकते हैं 16, 63 और 65, ठीक है। इस डेटा के ऊपर सवाल डायरेक्टली पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोल दिया था कि ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो उसका सर्कम रेडियस क्या होगा, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप नोट करके रखेंगे सर्कम रेडियस क्या होता है, उसके हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, तो आप देखते साथ 65 का आधा मार्क करके उस सवाल को आगे आप बढ़ सकते थे, ठीक है। चलिए, ये कुछ ट्रिपलेट होगा, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिपलेट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखूं तो 20, 21, 29, फिर आप लिख सकते हैं यहां 28, 45 एंड 53, ठीक है। फिर और एक ट्रिपलेट मैं आपको बता दूं यहां पर 39, 80 एंड 89, ठीक है, और बहुत सारे इस प्रकार के ट्रिपलेट होते हैं, अनगिनत ट्रिपलेट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 33, 56, 65, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो 65, 72, 97, 65, 72 एंड 97, तो ये तमाम अलग अलग प्रकार के ट्रिपलेट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर ये वाले जो ट्रिपलेट्स है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ट्रिपलेट उस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करे, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट भी होते हैं जो मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको मैं समझा देता हूं आपको, हालांकि आपको ये याद रखना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ट्रिपलेट, किसी भी ट्रिपलेट को बनाने के लिए सबसे पहली बात आप समझिए कि जो ऑड नंबर है, यानी कि अगर सबसे छोटा वैल्यू ऑड नंबर है, तो क्या करोगे, इस ऑड नंबर का स्क्वायर ले लेना, 3 का स्क्वायर ले लेना, कितना आया 9, इस 9 को 1 के डिफरेंस में बांट दीजिए तो 4 और 5 में बढ़ गया, 1 का डिफरेंस है यहां पर, और 4 प्लस 5 यहां पर 9 बन रहा है, यानी कि इस तरीके से इस 9 को बांटिए कि 1 का डिफरेंस आए, तो मैंने 1 यहां दे दिया, बचा 8, 8 का आधा यहां 4, 8 का आधा यहां पे 4 दे दिया, लेकिन यहां 1 पहले से दिया था तो 1 प्लस 4, 5 हो जाएगा, 4 ये 5 हो गया, ठीक है। 5 की मैं बात करता हूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25, इस 25 को मैं दो भागों में बांटूं तो 12 और 13 आएगा, तो 12 13 देखिए माइंड में कैसे कैलकुलेट किया मैंने, इसको देखिए 25 में से 1 निकाल के मैंने अलग कर दिया, क्योंकि डिफरेंस 1 का बनाना है, तो पहले जो डिफरेंस है वो बड़े वैल्यू को दे दिया, 25 में से 1 दोगे तो बचेगा 24, 24 को बराबर बराबर दे देना, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12, तो नीचे तो 1 पहले से दिया था तो 12 प्लस 1 13 हो गया, ऊपर वाला 12 हो गया, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक, याद रखने का। तो हर एक ऑड नंबर के साथ ये चीज फॉलो होगी, इवन नंबर अगर सबसे छोटा वैल्यू आ गया, जैसे 8 है, तो क्या करना है, 8 का पहले आधा कर लेना तो आएगा 4, इस 4 का स्क्वायर कर लेना तो आएगा 16, इस 16 से एक छोटा वैल्यू 15, एक 16 से एक बड़ा वैल्यू 17, तो आपने 8 देखा, 15 देखा, 17 देखा, ये हमेशा ट्रिपलेट होगा, 8 15 17। 12 की मैं बात करूं तो 12 का पहले आधा कर लो, कितना आएगा 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर लेना तो 36 आ जाएगा, 36 से एक छोटा 35 होता है, 36 से एक बड़ा 37 होता है, तो ये 12 35 और 37 ये भी क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट ही है। यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिपलेट जिसके ऊपर आजकल एसएससी में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस ट्रिपलेट वैल्यू को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगा, p² - 1² + 2p² बराबर होता है p² + 1² तो इस वैल्यूज को आप नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि आप अगर देखें तो p² - 1² + 2p² करेंगे तो p² + 1² आएगा,
चेक कर सकते हैं एक बार। तो अगर यहां पर पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है तो टू पी स्क्वायर माइनस में आएगा, प्लस टू पी का होल स्क्वायर होता है फोर पी स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं यहां फोर पी स्क्वायर और माइनस टू पी स्क्वायर को कैंसिल आउट करूं तो पी के घात चार प्लस वन प्लस टू पी स्क्वायर ही तो आएगा। और ये इस एक्सप्रेशन को देख कर क्या समझ में आ रहा है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है जिसमें आपका ए पी स्क्वायर है और बी वन है इसका होल स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो आया वो यही तो हुआ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अगर ये है, बेस अगर ये है, तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं आजकल एसएससी में, तो आपको ये नोट डाउन, ये आपको याद रहना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस वन टू पी दिख गया तो तीसरा वैल्यू हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन कुछ वैल्यूज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये सारे ट्रिपलेट्स जितने भी मैंने यहां पर आपके स्क्रीन पर लिखे हैं, बार बार आपके एग्जाम में इन सब के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपने इसको नोट डाउन किया होगा, बढ़िया से नोट्स बनाया होगा। अब मैं यहां से कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो इस सवाल को देखते हैं। यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर है इतना तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें थीटा ये है ए बी सी। अब देखिए कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, होता है कि नहीं? तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि ये टू पी है और ये पी स्क्वायर प्लस वन है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि तीन ट्रिपलेट में अगर टू पी दिया है एक वैल्यू, हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस वन दिया है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो पी स्क्वायर माइनस वन का आएगा। क्लियर? कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? तो पी स्क्वायर प्लस वन है। परपेंडिकुलर क्या है? पी स्क्वायर माइनस वन है। तो देखिए ये चीजें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया ये आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत आप इसको अगर माइंड में कैलकुलेट कर सके, इंटरप्रेट कर सके, तो आपका तुरंत विदाउट पेन चलाए आंसर आ सकता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PQ का वैल्यू जो है 5 है और PR और QP का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec P प्लस cot R आपको निकालना है। तो देखिए एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज बना लेते हैं भाई इस तरीके का जिसमें ये P है, Q समकोण है, तो Q यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा, ये आपका R बन जाएगा, करेक्ट? अब यहां से आपको दिया हुआ है PQ का वैल्यू क्या है, तो 5 है, PQ का वैल्यू क्या है 5 है, करेक्ट? और PR माइनस QP जो है 1 सेंटीमीटर है। अब समझिए यहां से, ये अगर x है तो ये x प्लस 1 है, क्या आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? क्योंकि देखिए आपको पता है कि 5 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है और ये दोनों वैल्यूज 1 के डिफरेंस में बटे रहते हैं, तो यहां एकमात्र वैल्यू आएगा कि ये 12 होगा और ये 13 होगा। आप चाहें तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आप उसको यूज करना मत भूलिए। तो 5, 12, 13 हमने ट्रिपलेट बना दिया, अब यहां से क्या वैल्यूज पूछ रहा है उसको ध्यान देंगे। sec p पूछ रहा है, sec p मतलब इस कोण के संदर्भ पे बात हो रही है, ठीक? इस कोण के संदर्भ पे बात हो रही है, तो sec p का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, मतलब ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। cot r का मतलब होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 5, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, 12 प्लस 13 हो गया 25, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो यहां पे 5 वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि d जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी? चलिए आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अलग अलग यूज होता है, तो यहां पर डायरेक्टली पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे आपका सॉल्व हो गया। कई बार सवाल ऐसे भी बनते हैं जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो नहीं होता। अच्छा एक चीज और आप नोट डाउन कर लेना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं इसका रेशियो भी अगर आप ले लो तो वैल्यूज सेटिस्फाई होते हैं। जैसे कि मैं अगर 5, 12, 13 ट्रिपलेट है कह रहा हूं, तो 5 में 2 गुना करोगे 10 बनेगा, 12 में 2 गुना करोगे तो 24 बनेगा, 13 में 2 गुना करोगे तो 26 आएगा। क्या इस वैल्यूज में जो कि 5, 12, 13 का दुगना है, 5, 12, 13 का दुगना है, एक बार इसमें भी देखिए क्या पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है क्या? बिल्कुल फॉलो होगा। देखिए अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ने पर कितना आया 676 आया कि नहीं? और 26 का स्क्वायर भी तो 676 होता है, मतलब कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं इसके रेशियोज में भी अगर आप वैल्यूज को लें तो भी फाइनली जो वैल्यू आता है
वो भी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, यानी वो भी एक नया पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, इस बात का आप नोट बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपके आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग को काफी देर से इंतजार था क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने बताया भी था कि हम आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिटीज बना कैसे है, वो बना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो एक बार हम यहां पर आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए तो देखिए, अभी तक हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम सीख लिया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, सीख लिया कि नहीं, ठीक है। इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं वन, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं वन, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने सीख लिया, इसको हम मान लेते हैं वन। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, इसको पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पर पहला वाला रिजल्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर वन हो गया, क्योंकि भाई यहां पर जो वैल्यू है वो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही है यहां पे, तो ये तो वन बन जाएगा। तो एच यहां पर डिवाइड होगा एच स्क्वायर, तो पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस एच यहां डिवाइड होगा बी बाय एच का होल स्क्वायर और यहां वन बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि पी बाय एच क्या होता है और बी बाय एच क्या होता है। देखिए ये हमने पढ़ के रखा है पहले वीडियो में, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पी बाय एच का मतलब क्या है, बी बाय एच का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने यही देखा था कि पी बाय एच का मतलब होता है साइन थीटा, बी बाय एच का मतलब होता है कॉस थीटा, पी बाय एच का मतलब होता है साइन थीटा, बी बाय एच का मतलब होता है कॉस थीटा। बस इसी चीज का हम यहां पर यूज कर लेंगे कि बी बाय एच और पी बाय एच को आप रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा से, तो इसके जगह पे हम डाल सकते हैं साइन थीटा। तो क्या बन गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, यहां से बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यही आपका बन गया आइडेंटिटी, इसी को क्या कहते हैं आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, जैसे कि हम ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहलाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर, वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसको आपको याद रखना है। कैसे आया, समझ में आ गया, हमने क्या किया परपेंडिकुलर यानी बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही तीन रेशियोस, तीन आइडेंटिटीज बन सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लूं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से या बेस के स्क्वायर से इसको मैं डिवाइड कर दूं तीनों तरफ, तो अगर बेस के स्क्वायर से इसको डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, देखिए बेस के स्क्वायर से डिवाइड करने पर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एच बाय बी का होल स्क्वायर, ये एच है एच बाय बी का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब ये क्या है भाई, ये है सेक स्क्वायर थीटा और ये है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो यही फॉर्मूला हमने देखा था शुरुआत में, मतलब सेकेंड फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, क्लियर। उसी प्रकार से एक बार हमने क्या किया, यहां पर हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहां पर हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया, अगर आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला वैल्यू वन बन जाएगा, दूसरा वाला बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बन जाएगा और तीसरा वाला बन जाएगा एच बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया भाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा वन, करेक्ट है कि नहीं है, देखिए भाई यहां पर समझिए इसको, ऐसा ही है ना, अगर इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वन आएगा, ये बी बाय पी का होल स्क्वायर एच बाय पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया कोसेक, ये हो गया कॉट और ये हो गया वन। बस इसी चीज को आपको यहां पर आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब देखिए ये फॉर्मूलास कैसे आया, ये हमने सीख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन क्यों होता है ये समझ में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन क्यों होता है समझ में आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन क्यों होता है ये समझ में आ गया। लेकिन इतना समझना सफिशियंट नहीं है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चंस को बहुत फटाफट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलेस तो हमें पता होने ही चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक।
तो चलिए समझते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए इसमें से एक स्टेप आगे, ठीक है। तो चलिए यहां से आप नोट डाउन करेंगे पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, ऐसा लिख ही सकते हैं। और ये जो है भाई, ये है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो देखिए इसको रीअरेंज करके ऐसा लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा बराबर है वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहां तक क्लियर, इसको भी याद रखेंगे कि कॉस थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा होता है वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या हो जाएगा, एक और तरीका ऐसा हो सकता है कि आप यहां से जो इसको लिखे इसी प्रकार आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरीके से कि ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, जिसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका व्युत्क्रम भी सही होगा कि आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाय वन प्लस साइन थीटा बराबर वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका व्युत्क्रम भी आप याद रखिए, ठीक है। तो केवल इस फॉर्मूले को याद करने से कोई यहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप थोड़े से आगे एक लेवल आगे जाइए और उसका एक और रिजल्ट निकाल के उसे याद रखेंगे, ताकि सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर डायरेक्टली आप रिजल्ट को यूज करें, ना कि बार बार फॉर्मूला यूज करने में अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। चलिए सेकंड फॉर्मूला हमने क्या देखा, हमने देखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हमने देखा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये हमने देख के रखा हुआ है। इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से एक वैल्यू को मैं दूसरे तरफ भेज दूं तो समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। वही चीज आपने यहां पे भी सीखा कि सिक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। अब इस रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट को देखिए और साथ में पिछले वाले रिजल्ट को देखिए, एकदम सेम है ये, एकदम सेम है। क्योंकि अगर मैं यहाँ कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं तो यहाँ वन बाय कॉस थीटा सेक थीटा बन जाएगा, वन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कॉस थीटा से इसको डिवाइड करूं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा, और यहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि आपके सेकेंड तीसरे फॉर्मूले से आता है जिसको हमने सीख के रखा है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, वन होता है। इसके फॉर्मूले के तहत आप क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसको आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है वन बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्लियर। यहां तक समझ में आ गई बात, चलिए। तो ये हो गया भाई सारे फॉर्मूलेज, इसको आप अच्छे से नोट करके रखेंगे और जहां भी हमारा यूज होगा तो हम इन फॉर्मूलेज को यूज करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको आपको याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सारे फॉर्मूले, तब जाके आप इसको फटाफट लगा पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब कुछ और छोटे छोटे से रिजल्ट्स, बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट्स आप खुद से बना के रखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, बताइए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट्स है, इसको आप डायरेक्टली नोट करके रखेंगे। इसका वैल्यू होता है भाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा,
इस रिजल्ट को आप नोट करके रखिए। कैसे आया? तो भाई इसको प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं प्रूफ यहां पे आपको बता देता हूं। जैसे कि देखिए, ये जो टैन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये जो कॉट थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ये बन जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट? तो ये तो बन गया वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वन बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और वन बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए एक और फॉर्मूला आप यहां पर अभी नोट कर सकते हैं कि साइन टू थीटा जो होता है, साइन टू थीटा का वैल्यू जो होता है, ये होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहां पर टू मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो बनेगा टू डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा ही तो बनेगा। मतलब इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टू कोसेक टू थीटा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको नोट करके रखिए, मैं आगे समझाऊंगा इस चीज को। इज इक्वल टू टू कोसेक टू थीटा, ठीक है, टू कोसेक टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। चलिए यहां तक समझ में आ गया, टू कोसेक थीटा, टू कोसेक टू थीटा का वैल्यू भी यही है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा करने पर आया है ये रिजल्ट। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इसी प्रकार एक और रिजल्ट आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट को भी आप नोट डाउन करिए। सेक के घात में अगर टू थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। कैसे आया? तो इसको आप वन बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं वन बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और यहां से आपका बन जाएगा ऊपर वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन। नीचे क्या वैल्यू बचा? तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचा, जो कि इसके बराबर ही रहेगा। ठीक, तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखें, क्योंकि ये सब रिजल्ट तो सभी याद रखते हैं, ये सब रिजल्ट तो सभी याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, ये सब याद रखते हैं। बट आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन होता है, ये तो ठीक था, लेकिन इससे ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखना होगा। और sec square theta minus tan square theta one था, ठीक है, लेकिन अगर sec theta plus tan theta one कुछ वैल्यू दिया है तो आपको इनडायरेक्टली sec theta minus tan theta का वैल्यू भी दिया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं अब क्वेश्चंस के जरिए इनको हम डिस्कस करते हैं कैसे हमें यूज करना है। तो चलिए सीखते हैं। यहां पर अगला सवाल दिया हुआ है, यहां पर sec के घात चार थीटा माइनस sec के घात दो थीटा है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहां से sec स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालूं तो यहां बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अब देखिए क्या फॉर्मूला देखा था हमने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दिखा था। मतलब अगर मैं इसको वन को इधर ले आऊं तो वैल्यू ऐसा ही दिखेगा ना कि माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट, यही देखा था। मतलब देखिए ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन, ये जो है ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में जो sec स्क्वायर थीटा है इस वन को दूसरे तरफ ले जाएं तो ये कुछ और नहीं है बल्कि इसका वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, क्लियर। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन के बराबर होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर टू जो है हूबहू इसके जैसा ही है, ठीक, तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए हम यहां पर इसको लिख सकते हैं tan के घात, ठीक है, फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों इक्वल है, यानी यहां पर जो बी है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ रिजल्ट हमने सीख के रखा है, जब भी आपने देखा कि साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा है, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है?
वन माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक, अब डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा सा इक्वेशन आएगा और आप फंस जाओगे, लेकिन जब हमारे पास रिजल्ट है कि साइन थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा बराबर वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो डायरेक्टली उसको यूज करिए। तो इसमें ये चीज एडेड है, मतलब इसका भी एलसीएम साइन थीटा, इसका भी एलसीएम साइन थीटा, तो ओवरऑल यहां पे वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर। तो प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, मतलब ये जो पहला ब्रैकेट है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे पहले ब्रैकेट का वैल्यू क्या है, तो टू बाय साइन थीटा है। अब आप मुझे बताइए इस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमने सीख के रखा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, तो डायरेक्टली आप इसकी जगह पे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं, बराबर। तो साइन थीटा कोसेक थीटा कट गया, वन बाय सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है, तो टू कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा, टू कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? देखिए ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, सेक थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि देखिए यहां टैन थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा को हमने सीख के रखा हुआ है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, बस इसको यूज कर लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि बार बार यही यही स्टेप दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आप रिजल्ट्स को याद करके रखेंगे तो आपके एग्जाम में टाइमिंग कम होगा और उन रिजल्ट्स को आपको यूज करना होगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले सब याद करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले इस तरीके से खुद से बना के रखिए, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू सेक इज इक्वल टू सेक इंटू कोसेक। मैं यहां पर और भी कुछ फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा आगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, कॉस वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इसके बराबर है। तो सिंपल है ना, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं कि वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो माइंड में आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही रिवर्स हो गया तो यहां पर भी एलसीएम साइन थीटा ही है, मतलब प्लस में आगे क्या है, तो वन प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया, चार बटा रूट थ्री दिया। तो देखिए कॉस थीटा प्लस में, कॉस थीटा माइनस में कट गया, तो टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर कितना है, फोर बाय रूट थ्री, दो से कटेगा ये दो बन जाएगा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा रूट थ्री बाय टू, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री है कि नहीं। अरे भाई साइन 60 डिग्री क्या होता है, रूट थ्री बाय टू होता है, ये हमने पढ़ाया पिछले क्लास में, बस अब इसको यहां पर डाल दीजिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं यहां वैल्यू क्या दिया हुआ है, आप सोचिए यहां क्या दिया, ये अगर माइनस वन दिया है मतलब कि इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या आप इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने की आवश्यकता है क्या? देखिए हमने क्या सीखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है इसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो डायरेक्टली आप इसका वैल्यू निकालिए, क्योंकि आपको इसके घात में माइनस वन दिया है, मतलब कि आपको इसका व्युत्क्रम निकालने को कह रहा है, तो व्युत्क्रम का वैल्यू तो हम जानते ही है ना, वन बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए फॉर्मूला सीखना एक जगह है, उसको अप्लाई करना दूसरी जगह है, तो फॉर्मूला सही समय पे आपको याद भी आना चाहिए, तब जाके जो है ये प्रैक्टिस के जरिए होगा, जितना ज्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 60 है, यहां पर डाल देते, जैसे आप थीटा का वैल्यू यहां 60 डिग्री डालोगे तो ये हो जाएगा sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री होता है 2, और माइनस में tan 60 डिग्री होता है रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3, मतलब जो है बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर इतना दिया हुआ है और पूछ रहा है भाई cos थीटा का वैल्यू क्या है। देखिए इस सवाल को कैसे किया जाए, देखिए समझिए, यहां पर जब आपको दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा, दिया हुआ है कि नहीं sec थीटा प्लस tan थीटा, देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा बोलिए इसको, या हम sec थीटा प्लस tan थीटा बोले, बात एक ही है, इन दोनों का सम दिया x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस टू, दिया हुआ है कि नहीं, करेक्ट। तो मैंने आपको यह बता के रखा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर दे दिया तो sec थीटा माइनस tan थीटा भी इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है और वो कुछ और नहीं इसका व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस टू, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपको क्या निकालने को कहा गया, cos थीटा, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, देखिए cos थीटा कुछ और नहीं होता वन बाय sec थीटा होता है, करेक्ट। तो अगर मैं यहां पर इन दोनों को जोड़ दूं प्लस कर दूं तो ये tan थीटा कट जाएगा, मेरे पास 2 sec थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां से जो वैल्यू आएगा इसका x माइनस टू बाय x प्लस टू प्लस x प्लस टू बाय x माइनस टू, यही आएगा, ठीक। एलसीएम यदि मैं लू तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4, ऊपर अगर आप देखें तो ये बन जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू
एक्स यानी प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब आप बताइए भाई इसका वैल्यू क्या होता है, क्या हमने ये पढ़ के रखा है एलजेब्रा में, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए जो हमने एलजेब्रा में पढ़ा है पहले ही वीडियो में। स्टार्टिंग में जैसे ही हमने फॉर्मूला देखा था तो सबसे शुरुआत में यही फॉर्मूला हमने देखा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर नीचे आ जाएगा। तो सिंपल है कि ये जो टू सेक थीटा है इसका टू और ये वाला टू कट जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आ चुका है। अगर सेक थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आ गया तो कॉस थीटा कुछ और नहीं इसका उल्टा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस चार ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस चार नीचे। तो सी सवाल का सही उत्तर है, बात समझ में आ रही है। सेक थीटा बराबर इतना है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस चार नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है और कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, बहुत आसान सवाल है। जैसे आपने देखा कि sec थीटा प्लस tan थीटा दिया तो तुरंत आपके माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको sec थीटा प्लस tan थीटा तो डायरेक्टली दिया था, कितना है 7 प्लस 4 रूट 3। तो दिमाग में आपके पास तुरंत आना चाहिए भाई अगर ये दिया है तो इनडायरेक्टली sec थीटा माइनस tan थीटा भी दिया हुआ है, और ये क्या है तो 1 इसका व्युत्क्रम 1 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आपको ये दिया हुआ है डिनोमिनेटर में तो आपको क्या करना होगा, इसका रैशनलाइजेशन करना होगा। इसका रैशनलाइजेशन क्या होता है, 7 माइनस 4 रूट 3 ऊपर और 7 माइनस 4 रूट 3 नीचे। इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 7 7 जा 49, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 49, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 करोगे 48 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो भैया 1 बन गया, इसका डिनोमिनेटर 1 बन गया। तो इसका व्युत्क्रम कुछ और नहीं है बल्कि इसका व्युत्क्रम बहुत सिंपल सा वैल्यू है ये, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन हमने सर्ड सिंडाइसिस में पढ़ के रखा है, मतलब इसका व्युत्क्रम क्या है तो 7 माइनस 4 रूट 3। क्या यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो पूछा गया है, ठीक, आपको पूछा गया कॉट थीटा का वैल्यू, मतलब टेन थीटा निकालना जरूरी है, तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूं तो ये प्लस बन जाएगा, और यहां से आप देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, 7 माइनस 7 कट गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा हो गया 2 टेन थीटा, 4 प्लस 4 हो गया 8 रूट 3, तो दो से काटोगे तो चार बन जाएगा, मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू है ये है 4 रूट 3, और अगर टेन थीटा का वैल्यू 4 रूट 3 है तो हम निकाल सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा होता है, तो इसकी जगह 1 बाय टेन थीटा कर लीजिए, 1 बाय 4 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। कैसे हम रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं ये सारी बातें आप सीख रहे होंगे। अब देखिए यहां कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इतना है, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। तो बहुत सिंपल है कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया, 3 प्लस 2 रूट 3 टू दिया हुआ, तो क्या हम यहां से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और अगर व्युत्क्रम है तो मतलब इसका वैल्यू जो है 1 बाय 3 प्लस 2 रूट 3 होगा। और इसको देखते साथ मुझे यहां पर एक ही बात समझ में आती है कि यहां इसका रैशनलाइजेशन किया जाए 3 माइनस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, और 3 माइनस 2 रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर नीचे जो डिनोमिनेटर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 8, 9 माइनस 8 करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि यहां पर जो वैल्यू है डिनोमिनेटर का तो 1 है, मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 2 रूट 2। अब आपको जो वैल्यू पसंद है वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कॉट थीटा कट जाएगा, 2 रूट 2 2 रूट 2 कट जाएगा, मतलब 2 कोसेक थीटा आ गया, ऐड करने पर इसका वैल्यू 6 है, मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू 3 है। अब कोसेक थीटा का 3 का वैल्यू मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर यह थीटा है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बराबर, मतलब कि ये 3 है तो ये 1 होगा, क्योंकि ये 3 बाय 1 है ना, कोसेक थीटा 3 बाय 1 है, तो इससे जो तीसरा साइड बीसी है ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब कि 8, तो इसको 2 रूट 2 लिखा जा सकता है,
अब सवाल में जो चीज पूछ रहा है उसको आप निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो कॉमन ही हो गया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 + √2 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल में। तो कभी भी आपको ये चीज दिखाई दे, ठीक है, ये चीज आपको कभी भी दिखाई दे sec थीटा प्लस tan थीटा, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है 1 / sec θ - tan θ। उसी तरह cosec थीटा प्लस cot थीटा होता है 1 - cosec θ × cot θ, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक, साथ में जब भी sin थीटा प्लस 1 / cos θ, यानी इस तरीके से वैल्यू मिल गया sin थीटा प्लस 1 / cos θ, तो ये 1 - cos θ डिवाइड बाय sin थीटा के बराबर होता है, ये तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए इस सवाल को अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहां पर सोचिए, यहां 4x है, यहां 16x है। अगर हम ये देखें कि यहां अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, तो कैसे हम यहां पर इस चीज को इस तरीके से लिखें कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तुरंत निकल के आ जाए। देखिए मैं अगर यहां पर 2 मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी 8x नीचे भी 8x बन जाएगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 cosec θ। ठीक है, 2 cosec θ बराबर क्या, 8x + 1/8x होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको समझिए, ये कोसेक थीटा दो बार आया तो कैसे आया, क्या मैं इस 2 cosec θ को ऐसा लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अपने मर्जी से मैंने कॉट थीटा जोड़ा, तो मैं एक बार और कोसेक थीटा के साथ माइनस कॉट थीटा लिख लेता हूं। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 8x + 1/8x, है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं। तो अब समझिए इसको, यहां पर मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 cosec θ हुआ, यहां 8x + 1/8x हुआ। इस 2 cosec θ में मैंने एक बार 1 cosec θ को यहां लिया, 1 cosec θ को यहां लिया, एक में मैंने प्लस कॉट थीटा किया, एक में माइनस कॉट थीटा किया। अब हम ये बात जानते हैं कि ये वाला वैल्यू यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये वाला वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। राइट हैंड साइड में भी यदि आप देखेंगे तो एक दूसरे के व्युत्क्रम ही तो है ये 8x और 1/8x, मतलब अगर ये 8x हुआ तो ये 1/8x होगा, या फिर अगर ये वाला वैल्यू अगर ये 1/8x हुआ तो ये वाला वैल्यू 8x होगा। दोनों पॉसिबल है, मतलब कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स जो पूछा हुआ है इसके जगह पर 8x भी हो सकता है या 1/8x भी हो सकता है, दोनों संभव है। नॉर्मली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत लंबा आंसर आएगा आपका और यहां पर बहुत टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट पता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो आप उस संदर्भ में सोचेंगे और इस तरीके से आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है SSC के एग्जाम में बार बार पूछने वाला। ठीक है, यहां पर साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और साइन थीटा का वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार है। देखिए कभी भी जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तो उस ऑप्शन पे भी एक बार जरूर आप नजर लगाना कि क्या दिया हुआ है। जब साइन थीटा का वैल्यू कुछ इस प्रकार दिया हुआ है तो आप दिमाग में आप इस तरीके से सोचेंगे कि थीटा का वैल्यू यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर √3 वाला कुछ वैल्यू होता तो हम यहां पर θ = 60° या 30° या 45° इस तरीके से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोचते कि क्या डालें और देखते कि ऊपर वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है और फटाफट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ कोसेक थीटा है तो मैं इसको कोसेक थीटा के टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन होता है, तो इसके जगह पे मैं लिख लेता हूं 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आएगा, -31 cosec θ और प्लस का 32 = 0 है। अब देखिए इसको -12 को आगे भेजा जा सकता है, मतलब ये जो है माइनस का बन जाएगा और 12 इससे माइनस करने पर ये बन जाएगा प्लस का 20, करेक्ट, यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए कैसे हम यहां पर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालें, इसको हमें अब सीखना होगा। तो अब हमें इसे ब्रेक करना होगा इस प्रकार कि ये जो 12 cosec² θ है और 20 है, इसको प्लस करने पर 31 आए,
कोसेक थीटा, तो आप सोचिए कैसे हिलाना है। देखिए ऑड नंबर देखते साथ समझ में आता है, 12 और 20 में जितने भी इवन नंबर है उसको एक साइड लेना होगा, जितने भी ऑड नंबर है उसको एक साइड लेना होगा, क्योंकि ऑड नंबर बनाना है वो भी प्लस करके, तो ये तभी संभव है कि एक वैल्यू ऑड हो दूसरा वैल्यू इवन है। तो आप खुद सोचिए कि 12 और 20 देखते साथ यहां समझ में आता है 4 × 3 है, यहां पर 4 × 5 है, तो मैं 4 और 4 को एक साथ ले लेता हूं, ये बन जाएगा 16, और 3 और 5 को एक साथ ले लेता हूं, बन जाएगा 15। तो 16 + 15 करने पर 31 आता है, बिल्कुल सही, मतलब कि यहां से कोसेक थीटा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कोसेक थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, एक बार आएगा 12 और एक बार आएगा 15, और क्योंकि यहां कोसेक स्क्वायर थीटा के सामने 12 है तो दोनों में 12 डिवाइड होगा, सॉरी एक बार यहां पर 16 आएगा, एक बार आएगा 15 और यहां पर दोनों में 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 और 15 जो है वो 20 और 12 को मल्टीप्लाई करने से 16 × 15 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व होता है। इसमें यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 4 से काटूं तो यहां पर बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3, इसको यदि मैं 3 से काटूं तो बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा ये कोसेक थीटा है, और आपसे पूछ रहा क्या है, आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec θ ही तो होता है, तो सिंपल सी बात है, यहां से 3/4 और 4/5 जो है ये दोनों साइन थीटा के वैल्यू हो जाएंगे, 3/4 और 4/5, 3/4 और 4/5, तो यहां पर सी जो है सवाल का सही उत्तर। यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई। तो कई बार जो होता है हम डायरेक्टली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे वैल्यूज डाल के हम चेक कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा हेल्प होता है फाइंड करने में कि वैल्यू क्या है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको जो है यहां पर इस तरीके से सॉल्व करना होगा, यानी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस सवाल को देखिए, क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, और आप यहां पर देख रहे हैं क्लियरली √3 है, √3 तभी आता है जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। तो एक बार हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे कि अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सब्सट्यूट करूं, 60 डिग्री सब्सट्यूट करता हूं, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू, ठीक है, अब इसमें भी आप थोड़ा चूजी रहिए कि पहले मैं 30 डिग्री चेक करूं कि 60 डिग्री चेक करूं, बहुत स्मार्टली आपको काम करना है। देखिए भाई ये स्क्वायर है, तो यहां पर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो एक रैशनल नंबर निकल के आएगा, तो सेक थीटा का, सेक थीटा का वो वैल्यू लीजिए जो यहां पे आपको रैशनल नंबर दे, क्योंकि यदि आप यहां पर 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2/√3 होता है, तो ये √3 कैंसिल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, तो फिर यहां पर 0 कैसे हो सकता है। तो मैं यहां पर 60 डिग्री लूंगा, क्योंकि सेक 60 डिग्री जो है ये 2 होता है। एक बार मैं यहां पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर इसको चेक कर लेता हूं वैल्यू को फटाफट, तो यहां पर √3 का स्क्वायर आएगा, ये √3 होता है ना, √3 का स्क्वायर बनेगा माइनस सेक 60 डिग्री, तो 2 हो जाता है, प्लस 3 होता है, क्या इसका वैल्यू 0 हुआ, ये बन गया 3 माइनस 6 प्लस 3, तो क्लियरली 0 बन रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज सेटिस्फाइंग आंसर। तो आप डायरेक्टली यहां 30 डिग्री भी मत डालिए, इस तरीके से अपने माइंड को आप यूज करिए कि कैसे यहां पर हम यहां पर फटाफट आंसर को निकालें, ठीक। तो अब यहां से अब साइन 60 डिग्री जो वैल्यू पूछ रहा है वो क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस क्या है दूसरा वैल्यू, तो कॉट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉट 60 डिग्री क्या होता है, तो 1/√3 होता है, दोनों को सॉल्व करोगे तो 2√3 एलसीएम बन गया नीचे, ये √3 √3 हो जाएगा 3, 2 प्लस यहां पर 2 जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 5/√3, करेक्ट। अब अगर ये 5/√3 है, आप खुद ही बताइए कि यहां पर उत्तर क्या होगा, क्या आपको यहां 5/√3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए, आप समझिए यहां √3 अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो ऊपर नीचे मुझे √3 मल्टीप्लाई करना होगा बराबर, तो मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूं √3 और नीचे भी √3 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 5√3 आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 2 × 3, ये बन जाएगा 6, तो 5√3/6 इस सवाल का सही उत्तर होगा, ए जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर, सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक। तो कैसे हम यहां पर इस तरीके के प्रश्नों को फटाफट कैलकुलेट करें ऑप्शन के जरिए, ये भी हम यहां पर सीख रहे हैं। बेसिक अप्रोच से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां आवश्यकता नहीं है,
जहां बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना है वहां मैंने बताया आप बेसिक अप्रोच जरूर लगाइए, लेकिन यहां पे आपको जो है वैल्यू हमें पता है कि थीटा 60 डिग्री पे क्या होता है। तो देखिए ये जो वैल्यूज है इस वैल्यूज को आप पकड़ के रखिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज हमने सीखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। इस वैल्यूज के जरिए आपके 60% क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वैल्यूज जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो हमने अभी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर चेक किया, वैल्यू यहां पर रूट 3 दे रहा था तो मैंने फटाफट उसी वैल्यूज पे चेक किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब इस सवाल में बताइए क्या किया जाए। यहां पर आप देख रहे हैं कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि रूट 3 और रूट 4 के टर्म्स में है। तो एक बार मैं यहां पर पूरा सॉल्व करने के पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री पे मैं चेक करना चाहता हूं। अब आप खुद ही सोचिए कि 30 डिग्री पे चेक करें कि 60 डिग्री पे चेक करें, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, ये तो रैशनल नंबर देगा, लेकिन ये कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा 60 डिग्री पर रैशनल नंबर होता है कि 30 डिग्री पर? कॉस 30 रूट 3 बाय 2 होता है, ये इरेशनल नंबर है। तो मैं क्या चेक करूंगा, पहले 60 डिग्री पे चेक करूंगा, क्योंकि कॉस 60 हाफ होता है जो कि रैशनल नंबर है, तभी जाके यहां जीरो बनने की संभावना है, अन्यथा नहीं है। तो ये 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस, है ना, माइनस में आएगा, माइनस में रूट 3/2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -3/2 और प्लस का 2। देखिए क्या ये जीरो बन रहा है कि, एक बार देखिए, 1/4 -3/4 है, -3/2 है और प्लस का 2। तो इसको माइनस करोगे तो ओवरऑल 4 यहां पे आ रहा है, बन जाएगा -2 और -6 प्लस 2, तो ये -8 बन गया। ये क्या बन गया, -8 बन गया। -8 का मतलब 4 से काटोगे तो वैल्यू यहां पर -2 आ रहा है और -2 प्लस 2 जीरो बन गया, यानी डेफिनेटली थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइड। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइड मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की यहां कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहां पे डाल दीजिए तो 4 कोसेक 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2/√3 होता है, और कॉट 60 डिग्री का मतलब 1/√3 होता है। तो एलसीएम ले लोगे, यहां नीचे रूट 3 आएगा, ऊपर बन गया 8 + 1 = 9। तो 9/√3 अगर काटोगे इसको तो कितना आएगा, 3√3 आ जाएगा। 3√3 मतलब ए जो है सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। यहां तक क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 है। तो देखिए साइन ए का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। आपको क्या वैल्यू निकालने को कहा गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए निकालने को कहा गया है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। अब अगर मैं यहां पर ये a होगा cos स्क्वायर होगा ये, ठीक है, cos स्क्वायर a, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ, cos स्क्वायर a हुआ। cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या है, साइन है, बराबर। तो cos स्क्वायर a जो है इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन a लिख सकता हूं। और ये जो cos के घात 4 a है ये cos स्क्वायर a का भी स्क्वायर है, मतलब साइन a का भी स्क्वायर होगा, मतलब इसके जगह पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर a। तो घुमा फिरा के साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ही आ गया, जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आसान सा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आपको वैल्यू दिया है कोसेक ए माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस 1 का वैल्यू क्या है, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहां पर इसे रैशनलाइज करूं तो बनेगा बात, या फिर इसको कुछ और हमें देखना होगा अल्टरनेटिव। चलिए अगर मैं यहां रैशनलाइजेशन करता हूं, ठीक, अगर मैं इसे रैशनलाइजेशन करता हूं, या फिर आप इसको और भी तरीके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर इसको 1/sin a लिखूं, 1/sin a - 1 लिखूं, इसको भी 1/sin a + 1 लिखूं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या बन रहा है, 1 - sin a / 1 + sin a बन रहा है, करेक्ट, क्योंकि साइन ए साइन ए कट जाएगा। अगर इसको रैशनलाइज किया जाए तो आंसर तुरंत आ जाएगा sec a - tan a, ठीक। इस तरीके से माइंड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि मैं ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 - sin a - 1 - sin a, तो ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 - sin a² नीचे आ जाएगा 1 - sin² a, यही आएगा, इसका स्क्वायर रूट है भाई। अब देखिए 1 - sin² a क्या होता है,
वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालने पर ये वाला स्क्वायर हट जाएगा। अब कॉस ए को अलग अलग यहां पर हम ले लें इस ब्रैकेट के अंदर, तो कॉस ए यहां पर जाएगा बनेगा सेक ए, कॉस ए यहां पर जाएगा माइनस का टेन ए, और सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू क्या है, बी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रही बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है सेक के घात सिक्स ए माइनस टेन के घात ए सिक्स ए माइनस ऑफ थ्री सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है यहां पर, और जैसे आप यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर यहां पर वन आ जाएगा, क्योंकि देखिए आप यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, ये sec स्क्वायर a का होल क्यूब, करेक्ट, ये क्या है tan स्क्वायर a का होल क्यूब है, बराबर, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, आगे जो टर्म है ये तो एज इट इज रहेगा। तो इसको सॉल्व करने पर पहले ब्रैकेट में a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या आता है, a माइनस b आता है, और a माइनस b का मतलब sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, जो कि वन होता है, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा पहले ब्रैकेट में, तो ये तो वन हो गया, बराबर, ये तो वन हो गया, और दूसरे ब्रैकेट की मैं बात करूं तो आएगा sec के घात चार ए प्लस sec स्क्वायर ए टेन स्क्वायर, और दूसरे लास्ट में आ जाएगा tan के घात चार ए, बराबर, ये पूरा आ रहा वैल्यू, तो ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ रहा है। तो पहला वाला ब्रैकेट a माइनस बी, ये तो पूरा वन हो गया, ये तो पूरा वन बन गया, इसकी जगह वन लिख सकते हैं, ठीक। इसके आगे जो वैल्यू है, तो हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमने लिखा, इसके आगे जो वैल्यू है वो है माइनस थ्री टाइम्स ये वाला वैल्यू, तो इसमें से माइनस थ्री करोगे प्लस वन माइनस थ्री करोगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस टू टाइम्स sec स्क्वायर a tan स्क्वायर। इस फॉर्मूला को देखकर क्या समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, जिसमें ए स्क्वायर का काम कर रहा है सेक स्क्वायर है, बी स्क्वायर का काम कर रहा है टेन स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है, तो वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा आंसर, तो सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिटीज रिलेटेड। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपके वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग से हो जाते हैं, यहां पर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 45 डिग्री ले लूं, ठीक है 45 डिग्री यदि मैं ले लूं, अगर मैं थीटा ए को क्या ले लूं 45 डिग्री, तो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यूज को याद रखें, 45 डिग्री को लेने पर ये आपका रूट टू हो जाता है sec 45, रूट टू के घात अगर आप 6 लिखेंगे तो 8 आएगा, माइनस ये वाला वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू आपका बन जाएगा माइनस का वन, माइनस थ्री इंटू रूट टू का स्क्वायर है तो ये टू बन जाएगा, आगे वन आएगा, मतलब देखिए 8 माइनस 7 आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और एकमात्र ऑप्शन यहां पर सी जो है वन है, तो आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग से, मात्र वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग से आप इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रश्न में भी आप कुछ ऐसे वैल्यू सोचिए जैसे कि 45 डिग्री, जिससे कि आपका आंसर फटाफट निकले ऑप्शन से, ठीक। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यूज है इसको आपको देखना होगा, ये वैल्यूज आपको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सारे सवाल इस वैल्यूज के जरिए बहुत फटाफट कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग के ऊपर, किस तरीके के प्रश्न में क्या हल करना है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए इसका वैल्यू क्या है, पी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो इन सब में से कौन सा सही है? देखिए सिंपल सी बात मैं आपको आपको बताता हूं कि क्यू यहां पर इतना है, क्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और आर बराबर कितना है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अरे भाई ये तो हमने देख ही लिया है ना कि क्यू बराबर आर होता है, ये तो रिजल्ट हमने निकाल के रखा ही हुआ है, तो एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्यू बराबर आर है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। अच्छा ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आर यहां पर भी है, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि यहां पर पी वाला वैल्यू भी इक्वल है कि नहीं है, तो क्यू बराबर आर तो बिल्कुल सही है, तो क्यू बराबर आर बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत
और ये वाला ऑप्शन गलत, आप फंस जाएंगे दो में। क्या पी भी इसके बराबर है, ये हमको चेक करना है। तो पी क्या दिया, ये दिया हुआ है। इस पी को देखते साथ समझ में आता है, रैशनलाइजेशन करो, वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, इसको रैशनलाइजेशन करने पर, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा नीचे। बात समझ में आई, ये वाला स्टेप समझ में आया। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो स्क्वायर बन गया, नीचे बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जैसे हमने इस सवाल में रैशनलाइजेशन किया, इस सवाल में हमने जो रैशनलाइजेशन किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहां पर भी रैशनलाइजेशन करना है। सेम चीज यहां पर रिजल्ट मिलेगा आपको, कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और जैसे ही मैंने देखा स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट को और इस स्क्वायर को हटा दूंगा। तो क्या मिला हमें, यही तो मिला, वन माइनस साइन एक्स, जो कि पी का क्यू का वैल्यू था, ये एक्चुअली वन माइनस साइन एक्स है ना, तो जो क्यू का वैल्यू है वही पी का वैल्यू है, मतलब क्यू इज इक्वल टू पी और दैट इज इक्वल टू आर। तो यहां पर तीनों के तीनों इक्वल है, तो डी वाला ऑप्शन जो है एकमात्र ऑप्शन है जो कि सही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपको बताना है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करने के पहले मैं यहां पर क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, देखिए इसको आपको ऑप्शन के जरिए सॉल्व करना है, ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है इस तरीके के प्रकार में आपको इसको लाने की कोशिश करनी है। जैसे ही मैंने देख रहा कि यहां sec a plus tan a, ये क्या है, sec a plus tan a, बराबर। तो इस sec a plus tan a में 1 plus sec a plus tan a, इसका स्क्वायर है, मतलब ये चीज दो बार मल्टीप्लाइड है, sec a plus tan a दो बार मल्टीप्लाइड है, बराबर। तो 1 डिवाइडेड बाय sec a plus tan a को, किसी भी एक sec a plus tan a को इसका व्युत्क्रम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 plus 1 डिवाइडेड बाय sec a plus tan a क्या होता है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं sec a minus tan a, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो मैंने एक sec a plus tan a की जगह sec a minus tan a, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये होता है 1 plus cos a, ये क्या होता है, ये होता है 1 by cos a, और ये होता है sin a by cos a, तो ये 1 minus sin a का cos a हो जाएगा न्यूमरेटर में, और सेम ये वाला जो वैल्यू है 1 plus sin a बाय कॉस ए हो जाएगा यहां पर, तो कॉस ए और कॉस ए कट गया, वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये जो सी है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है 2 इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसके बराबर क्या है हमें निकालना है। देखिए ये आपके माइंड की क्षमता है, आप किस तरीके से फटाफट कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो टैन थीटा है और ये जो कॉट थीटा है, इसको देखते साथ समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखो, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर लिखो, इससे ये होगा कि नीचे एलसीएम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर यहां पर साइन के घात 4 प्लस कॉस के घात 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 होगा। नीचे एलसीएम की बात करूं तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा दो बार, एक बार मल्टीप्लाई करोगे, एक साइन थीटा को कोसेक से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे साइन थीटा आएगा, एक कोसेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी सेक थीटा कॉस थीटा आएगा, मतलब अल्टीमेटली जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच रहा है। तो ऑप्शन देखते साथ समझ में आता है यही उत्तर होगा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा होता है और 1 बाय कॉस थीटा जो है ये सेक थीटा होता है, जिसको सॉल्व करने पर सी ही आंसर आना चाहिए। ठीक, नहीं समझ में आया तो देखिए मैं आपको लिख कर भी समझा देता हूं इसे। तो ये 2 प्लस ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टैन थीटा होता है साइन बाय कॉस थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे जो सेक थीटा कॉस थीटा है ये तो एज इट इज रहेगा रहेगा, इसको कुछ चेंज अभी हम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए इसका एलसीएम हम ले लेंगे, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ऊपर यदि आप देखो तो यहां पर ये 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है तो केवल साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन के पावर 4 थीटा,
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से है तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड है तो इसमें सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर वाले वैल्यू को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, जिसमें a है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये है आपके a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो हो जाएगा ये साइन थीटा का होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा यहाँ। और ये तो 1 होता है मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ गया। एक साइन थीटा कोसेक थीटा से कट जाएगा क्योंकि साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। एक कॉस स्क्वायर थीटा जो है एक सेक थीटा से कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू बन गया साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो मैंने आपको ओरली बता दिया था। तो ये चीजों को आप माइंड में जितना कैलकुलेट कर सकते हो, और ये संभव है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो चीजों को ओरली करने की कोशिश करिए, फटाफट करने की कोशिश करिए। तो ये बन जाएगा भाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, पेन तुरंत चलाने के पहले 10 सेकेंड आप देखिए सवाल को, तो आप यहाँ पर माइंड से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे जो कि माइंड से कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कोशिश करिए ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को जितना ज़्यादा आप माइंड में, तो प्रैक्टिस भी जब आप कर रहे हैं तो पहले 10 से 15 सेकेंड उस सवाल को देखिए और समझिए कि क्या हम इसको माइंड में कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं सॉल्व, और उतना ही पेन चलाइए जितनी आवश्यकता है, ना कि सब कुछ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिखा रहा है आपका sec के स्क्वायर 29 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 61 डिग्री प्लस sec sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री, तो बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, इस वैल्यू को देखते साथ समझ में आता है कि cot 61 डिग्री जो है ये बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये है कुछ नहीं, ये है tan 29 डिग्री ही, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 29 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 29 डिग्री बराबर, प्लस आगे क्या है sin 60 का स्क्वायर, तो sin 60 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस cosec स्क्वायर 30, तो cosec स्क्वायर 30, cosec 30 होता है 2 इसका स्क्वायर ले लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस यहां से आपका वैल्यू आ गया 3/4 प्लस यहां से आपका वैल्यू आ गया 4, तो टोटल हो गया 5 + 3/4, एलसीएम ले लोगे 4 तो यहां पर आ जाएगा 20 + 3 मतलब 23 आ जाएगा, 23/4। तो सवाल का सही जवाब जो है वो है बी, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आशा करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये सवाल आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न का है, 1 + sin α = 1 + sin β = 1 + sin γ = 1 - sin α = 1 - sin β = 1 - sin γ, इसका टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि इसका वैल्यू क्या है एक्स है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू क्या है एक्स है। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर। अब 1 + sin α × 1 - sin α क्या होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 1 - sin² α बनेगा, 1 + sin β × 1 - sin β इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो राइट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 - sin² β के फॉर्मेट में, ये 1 - sin² γ के फॉर्मेट में। मतलब देखिए क्या मिला, ए ये क्या है बताइए, 1 - sin² α क्या होता है, ये तो cos स्क्वायर अल्फा होता है, और 1 - sin² β क्या होता है, ये तो cos स्क्वायर बीटा होता है, और 1 - sin² γ क्या होता है, cos स्क्वायर गामा होता है। इसका वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो x बराबर क्या होगा, प्लस और माइनस cos अल्फा cos बीटा इंटू cos गामा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो हमने यहां पर आपसे डिस्कस किया आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यही नहीं आपसे सवाल बनने भी लगे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, आने वाले वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, और भी कुछ चीजें हमें सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी ट्रिग्नोमेट्री में जो आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।